नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। एक काम कीजिए, दो पार्ट में करके ले लीजिए, है ना? सब लोग आ जाएंगे तो आप एक पार्ट इसमें जो है स्टेप असाइड, बाकी सब आ सकते हैं। अरे बैठे रहो भाई, फोटो हो रहा है। सर लो एक कैमरा लुक सर, एक कैमरा लुक। लाइट लुक नहीं, लाइट देखिए इधर को ना, पहले इधर कैमरा लुक दीजिए। राइट ओके। विशेष बात यह है कि यह फिल्म पूरी तरह से फैमिली फिल्म है और यह उम्मीद की जाती है कि भोजपुरी के परिवार से ही सीधा सिनेमा हॉल तक पहुंची जाएगी। जय यादव जी का इस फिल्म के लिए जितनी भी सराहना की जाए वो कम नहीं होगी। और यह फिल्म पूरे तरीके से, जैसे कि मैडम ने बताया कि यह पूरे तरीके से पारिवारिक फिल्म है। नमस्कार, हम हूँ एहसान कुरैशी ओरिजिनल और आज हम यहाँ आए, ये वादा रहा, फिर आपके सामने आने वाली है इंटरटेनमेंट, भरपूर मनोरंजन का वादा करते हैं। फैमिली के साथ जाइएगा, हौसला बढ़ाइएगा। जय की फिल्म है, जय हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। बिहार में रहे आप, झारखंड में रहे, पंजाब में रहे, मुंबई में रहे, जहाँ भी थिएटर में देखें, ये वादा रहा तो हम भी वादा करते हैं कि आपका पैसा वसूल होगा, जाइएगा ज़रूर। और मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरी टीम में डायरेक्टर असलुद्दीन सर, फाइनेंसर और साथ में जो 90 फैमिली जुड़ी हुई थी इस फिल्म से, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। ये फिल्म झंडे गाड़े ताकि इसका पैसा आए, तो जल्दी से इसकी अच्छी फिल्म फिर लेके हम आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने बोल रही है शबीना खान, एक्ट्रेस शबीना खान। सारा कुछ तो एहसान जी ने बोल ही दिया है, बचा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी जय जी ये फिल्म बना रहे हैं, ये वादा रहा, तो जय जी के और उनकी पूरी टीम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा एक्शन भी है उसमें, रोमांस भी है और पारिवारिक मूवी है। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पर पारिवारिक बहुत कम ही बन रही है, सभी लोग जानते हैं। और जिन प्रोड्यूसरों ने इन सबके ऊपर भरोसा करके पैसा लगाते हैं, मेहनत का पैसा लगाते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपने जहाँ पे भी जय जी के साथ जो भी पैसा लगाया है बहुत ही अच्छी जगह पे लगाया है। और जय जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मूवी रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मूवी रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लोग बनाते हैं बट रिलीज़ नहीं कर पाते, बहुत बड़ी बड़ी मूवी। तो मैं यही कहना चाहूँगी और आपके लिए दुआ भी है कि आपकी मूवी बहुत ज़्यादा बहुत हिट करे, क्योंकि आमिर खान की भी पिट जाती हैं तो छोटी छोटी फिल्में भी हिट हो जाती हैं। तो जय जी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक आपको, आपकी पूरी टीम को। देखो अभी हमको यहाँ से जाना है अपनी महफिल में, साथ में रियाज इंडियन है, अपने एक गले से 60 आवाज़ें निकालते हैं। मैं चाहता हूँ अगर अमरीश पुरी साहब यहाँ होते तो जय को कैसी मुबारकबाद देते, राजकुमार साहब होते तो एक एक लाइन में कैसी मुबारकबाद दे सकते, दो तीन हिट आवाज़ें सुना दो ताकि लोगों को अंदाज लग जाए कि आपने मुबारकबाद भी दे दी। ओम प्रकाश जी कितने खुश होते आज ये देख कर, ये वादा रहा रियाज इंडियन।
हाँ कमाल है, बड़ी खुशी की बात है। मेरे दोस्त जय की फिल्म रिलीज हो रही है और ये वादा रहा फिल्म का नाम भी, अब मेरा भी वादा रहा फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, आपको देखना है। अरे भाई ये वादा रहा फिल्म का नाम ही नहीं, हम सबका वादा है, जय तो सुपर हिट रहा इस फिल्म में, ये फिल्म बहुत चलेगी और आप लोगों को देखना होगा, वरना आप तो दान जानते ही हैं, डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनको साथ में लेकर आऊंगा और फिल्म दिखाऊंगा, ये वादा रहा। तो हम दोनों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके ऐसे ही प्रोजेक्ट्स दिन को ले रात चौंकते बढ़ते रहे और आप सक्सेसफुल होकर ऐसे चमकते सूरज की तरह हमेशा चमकते रहे। है ना, तो ये तो मैजिकल है एंड हर एक्टर यही चाहता है कि ऐसे ही सिलसिला चलता है। मैंने बताया कि ये किस्सा चलना चाहिए, एक मुहूर्त पर किस्से का लॉन्च बहुत अच्छे लग रहे। मैंने सॉन्ग देखे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत कलरफुल, मैंने पूछा कि स्पेशली गाने इतने अच्छे लगे मुझे, अच्छी लग रही है। हाँ इलाहाबाद में शूटिंग हुई है तो अच्छा लगता होगा ना वहाँ, मतलब मुंबई दूर हो जाते हैं ना हम लोग वहाँ से। हाँ लेकिन जो हम लोग फिल्म करते हैं ना वहाँ पे वहाँ की ऑडियंस है, तो वहाँ का जो एनवायरमेंट है, वहाँ का जो लोकल चीज़ें हैं वो फिल्म में दिखनी चाहिए, नेचुरल दिखना चाहिए, दैट्स व्हाई हम लोग प्लान। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑडियंस उससे रिलेट भी होगा और अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ की ऑडियंस है, मतलब जहाँ की ऑडियंस हो अगर आप उनके शहर में जाके शूट करें तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। yes. उन्हें थिएटर में जाके देखना भी बहुत अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस किया। और लुक भी जो होता है ना वो नेचुरल और रियल लगता है वहाँ का, अब आप यहाँ का जो एनवायरमेंट है लुक है और वहाँ भी बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। नहीं ये तो बहुत ही अच्छा भी नहीं होती है वहाँ पे, ऐसे शूटिंग का प्रॉब्लम भी करेंगे। मैं देखती हूँ, मैंने कुछ फिल्में देखी हैं लेकिन नाम मत पूछिएगा, नाम मत पूछिएगा, लेकिन देखती हूँ और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ हर क्षेत्र, क्योंकि मैं खुद भी तिवारी हूँ, आई एम फ्रॉम यूपी एंड पापा इटावा के हैं और मम्मी ग्वालियर की, तो मुझे पसंद है हर क्षेत्र के और हर लैंग्वेज रीजनल फिल्म को देखना और उसे सराहना, क्योंकि बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स बनते हैं एंड अगर हम प्योरली एसेंस ऑफ इंडिया अगर ढूंढ रहे हैं तो इन्हीं रीजनल सब्जेक्ट्स में मिलता है, हमें रीजनल सिनेमा में ही मिलता है, बॉलीवुड मिक्स हो जाता है, सो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। मैंने मनोज जी की फिल्म देखी है और मनोज तिवारी एंड रवि किशन, रवि किशन एंड मनोज तिवारी, सीन देयर फिल्म and I really enjoyed them and of course wo Big Boss mein the na Narua, he's an amazing singer and I think wo fabulous kalakar. Narua ke baad aap apne kisi ki film dekhenge? Not really. Ab meri dekhenge na? Ab bas ha. Ab ye dekhenge. Abhi next. To aap logo ko Bhojpuri filmon mein kaam karne se pehle nahi lagta hai ki kuch homework karna chahiye, kuch log tayari karna chahiye jitna jaye aapko agli film mein apne saath rakhne wale hain? Tayari? Language ya लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, अच्छे से अपनी लैंग्वेज को तराशना पड़ेगा तभी तो एक्सेप्ट करेगी पब्लिक। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, जिनको लैंग्वेज कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज हम लोग जो रिलीज कर रहे थे उसमें हरियाणवी लैंग्वेज था और ये कहीं से नहीं लग रही थी कि हरियाणवी नहीं, हरियाणवी नहीं, देख लो बंगालन। अच्छा हाँ हाँ बंगालन, हरियाणवी मेरा था, हरियाणवी मेरा था, हरियाणवी ये थे, बंगालन मैं थी, बहुत डिफिकल्टी हुई लेकिन बट वहाँ स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं लग रहा, नहीं लग रहा था ना, अभी एक्टर है तो आपको हर चीज अच्छे से लपेटनी अपने अंदर आनी चाहिए, ज्यादा परफेक्ट। टीवी सीरियल करना और फिजिकल फिल्म भोजपुरी फिल्म आवाज़ पहुँच गई आपकी, बोलिए ना क्या आलम साहब। देखिए
भोजपुरी फिल्में तो मैंने पहले भी की थी, इन बिटवीन मैं और टीवी सीरियल में आया हुआ था। टीवी सीरियल का मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उस सीरियल के लिए मैंने 10 बार ऑडिशन दिया था। आप बिलीव करेंगे, ये लोग शूट पे भी निकल गए, मेरा लुक टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद मुझे बोला गया कि आपका डेट ये तारीख है, उसके बावजूद मुझे एक दिन सेट पे बुलाया जाता है। सेट पे बुलाने के बाद जो क्रिएटिव है बोलते हैं कि यार एक बार आपको और ऑडिशन देना पड़ेगा। तो उस दिन मैं बहुत ही टेम्पर हो गया, गुस्से में आ गया कि तुम लोगों ने मेरा लुक टेस्ट ले लिया, कॉस्ट्यूम बना लिया, 10 बार ऑडिशंस ले लिए, उसके बावजूद तुम बोल रहे हो यार कि एक बार और ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने बोला ये लास्ट टाइम मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, उससे अच्छा मेरा फिल्म है, मैं फिल्मों में ही काम करूँगा। रात को मैंने ऑडिशन दिया, सुबह कॉल आया कि कल से आपका शूट है, और उसी शूट के दौरान हमारी मुलाकात भी हुई। ये फिल्म कब तक आएगी, कब तक रिलीज होगी ये वादा रहा? ये 29 अगस्त को हम रिलीज कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया एक साथ रिलीज कर रहे हैं। साइलेंट जी, ये एक बार फिर से रिपीट करके बताइए, आपकी ये फिल्म ये वादा रहा कब तक थिएटर्स पे आएगी? 29 अगस्त को हम लोग ये फिल्म रिलीज कर रहे हैं एक साथ ऑल ओवर इंडिया। ब्रिलियंट। क्रिकेट बहुत कुछ सिखाया है यार, एक बार चलो डायरेक्शन में भी कुछ कर लिया जाए साथ में, फिल्म लाइन में भी कुछ कर लिया जाए साथ में। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सब हम लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया, मेहनत की है, और हम चाहते हैं कि सब लोग देखें और अप्रिशिएट करें फिल्म को। पूरी फैमिली फिल्म है, कहीं से बलगारा जैसा कोई शब्द इसके लिए मतलब आज तक भोजपुरी फिल्मों में ये होते रहा है कि भाई फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो हमारा दावा है कि एकदम पूरी फैमिली फिल्म है, साफ़ सुथरी और मज़ेदार इंटरटेनिंग फिल्म है, आप लोग बेहिचक देख सकते हैं। धन्यवाद। किस तरह जुड़े हुए हैं आप? मैं इसमें एज एन एक्टर हूँ, मजनू करके मेरा एक कैरेक्टर है जो थोड़ा कॉमेडी भी करता है, थोड़ा निगेटिव भी है, मतलब ग्रे शेड कह सकते हैं। भाई एक चीज़ कहूँगा कि यही इस फिल्म के मेन हीरो हैं, इनके इस फिल्म में इनको सारे शेड मिले हुए हैं। हाँ, हाँ। आप बोलिए कॉमेडी, आप बोलिए इमोशनल, आप बोलिए मतलब हर शेड इन्होंने प्ले किया हुआ है। हम लोग तो एक दो शेड करके रह गए, ये कॉमेडी भी करते हैं, निगेटिव शेड भी कर लिया, इमोशनल भी कर लिया, हर चीज़ है, मतलब लव गुरु का कैरेक्टर किया है इन्होंने। सर आप क्या कहते हैं? ये देखिए भोजपुरी सिनेमा में बहुत दिनों से बात चल रही है, बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हो रहे हैं कि जो है यहाँ बहुत ही वल्गरिटी, वल्गर गाने, वल्गर फिल्म, लेकिन बातें ही हो रही थी और जय ने एक इनिशिएटिव लिया कि सर बातें नहीं होनी चाहिए, हमें करके दिखाना है, और हमने ये वादा रहा एक ऐसी फिल्म की परिकल्पना की जो भोजपुरी में आज मिसिंग है, वीमेन ऑडियंस बिल्कुल मिसिंग है, और मुझे लगता है कि इस फिल्म को देख, इस फिल्म के रिलीज पर अगर महिलाएं वापस आई सिनेमा हॉल में तो भोजपुरी सिनेमा का बिजनेस और ऊपर जा सकता है। जी देखिए, मैं हमारी फिल्म के लिए ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि जितना बोलना था सब लोगों ने बोल दिया है, काफ़ी सारे लोगों ने बोला है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक बार जाके ये फिल्म देखिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। धन्यवाद। क्या के बारे में, इनके बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी इनका सीरियल चल रहा है निमकी मुखिया, इसमें एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर ये कर रहे हैं, और दूसरा हमारी फिल्म में ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट करेक्टर में है, ठीक है, जो मतलब ये हमारे लव गुरु हैं, तो ये हमारे दूसरे दोस्त हैं जो हर चीज़ में मेरी सहायता, चाहे मैं मार खा रहा हूँ तो भी वो मार खाने के लिए आ जाते हैं, कहीं सजेस्ट कर, सेकंड लीड कर सकते हैं इनको। हाँ कह सकते हैं, नो डाउट, वो सेकंड लीड ही है। हाँ हाँ, मतलब कोई कोई मेरे पीछे पड़ता तो वो इनको उनको ये पटा लेते हैं। हाँ नहीं नहीं, मतलब मेरी हीरोइन के पीछे नहीं, मतलब मेरी हीरोइन कुछ ऐसा कुछ है, कोई लड़की मुझे पसंद करती है वो उसको पटा देते हैं, बाद में सरप्राइज देते हैं। टेंटर एंड सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि भोजपुरी ऑडियंस से कि वो अकेले ये फिल्म देखने ना जाए, वो पूरे परिवार के साथ जाए। मेरी एक ही चीज़ है, रिक्वेस्ट है कि अकेले ना जाए। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस फिल्म के लिए बहुत उम्मीदों के साथ जुड़ा रहा हूँ। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, कहानी इतनी प्यारी है, जैसे हम
एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने अभी अभी कहा भी था कि राजश्री प्रोडक्शन की बहुत सारी फैमिली ड्रामा फिल्में जो होती हैं बेइज्जत हम उनको देखने के लिए जाते हैं, लेकिन हम दूसरे सिनेमा में जाने के लिए बहुत अजीब सा संकुचित हमारा मन रहता है कि आप जाएँ या ना जाएँ, पता नहीं कैसी फिल्म होगी। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप अपने सपरिवार जा सकते हैं और पूरा इंटरटेनमेंट और पैसा वसूल फिल्म है, जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो 100% भोजपुरी सिनेमा में फैमिली ड्रामा फिल्मों का एक दौर स्टार्ट शुरू हो सकता है। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बड़ा इमोशनल और सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है शूटिंग के दौरान। हम ये हमारे फिल्म के डीओपी सर हैं, तो इनकी मम्मी का देहांत हो गया था, तो हमारी पूरी यूनिट एक टाइम पे ये हो गया था कि हम शूट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से होगा, और हमने बोला भी कि सर अगर आप जा सकते तो जाइए, बट फिल्म के लिए इन्होंने वो मम्मी के पास गए भी नहीं और पूरा फिल्म कंप्लीट करके फिर वहाँ से गए। तो तहे दिल से पूरा यूनिट इनको थैंक यू बोलता है और इनकी मम्मी को भी जहाँ पे भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये सेंटीमेंट के साथ में ये जुड़े हुए हैं, ये हमारी टीम जुड़ी हुई है, बगैर इस टीम के हम लोग इस फिल्म को कंप्लीट नहीं कर पाते या इस तरह से नहीं बना पाते। तो थैंक यू एवरीवन, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे टेक्नीशियंस हो, चाहे हमारे प्रोड्यूसर्स हो, सब लोगों ने साथ दिया जिसकी वजह से हम ये फिल्म कंप्लीट कर पाए। थैंक यू मीडिया का तो थैंक यू रहेगा। अच्छा हाँ, आप ये वादा रहा और दिल मिल गए एक पार्ट है, मतलब स्टोरी का पार्ट नहीं है, बट हमारी जो टीम ये वादा रहा में थी वही टीम ऑलमोस्ट हमारी दिल मिल गए में रहेगी। कुछ चीज़ें करेक्टर के हिसाब से चेंजेस है उसमें जो शूट नहीं कर रहे हैं या जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं, बट ऑलमोस्ट पूरी टीम मेरी वही है। हम लोग एक यूनिट बना के साथ में काम कर रहे हैं और कुछ अच्छा देने की सोच है हम लोगों की, चाहे वो हमारे टेक्नीशियंस हो, चाहे हमारे आर्टिस्ट हो, हर किसी में कुछ नया और कुछ अच्छा जो पब्लिक को पसंद आए, जो पूरी फैमिली एक साथ देख सके, वो कुछ देने की कोशिश है हम लोग। तो पूरी टीम वही है। यस, स्टोरी के बारे में तो बहुत कुछ ज़्यादा मैं आप लोग को नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हमारे राजीव सर है, उन्होंने बोला है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो फिल्म रिलीज़ के बाद दिखे आप लोगों को, बट कुछ तो डिफरेंट होगा। ये वादा रहा और दिल मिल गए में कुछ तो डिफरेंट होगा। हाँ, आप लोग को दिख रहा है कि टाइटल लव स्टोरी वाली है, तो बट ऑब्वियसली लव स्टोरी का कहीं ना कहीं से इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। एक बात जरूर बता दीजिए, मैं नौकर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इस बार ये नौकर नहीं कर रहे, आपने पहले पूछा ना, इस बार ये नौकर नहीं कर रहे, ये तो 100% श्योर है। ऐसा क्यों है? मैंने इसलिए पूछा था कि मेरे बारे में चर्चा हो। ये मतलब कहीं भी चाहे सीन में भी होते हैं ना, तो ये फुटेज कैसा इनको लेना होता है वो आगे आके ले लेते हैं, तो ऐसे इंटरव्यू भी ले रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, इनकी पहली फिल्म थी उससे हमारे साथ में ये जुड़े हुए हैं, तो और बहुत अच्छे इंसान हैं और आर्टिस्ट भी अच्छे हैं। ये जी ने जो वादा किया और उसके बाद दिल मिल गए हैं, आगे भी परिवार बढ़ेगा, संतान होगी और खानदान चलता रहेगा, इस तरह एक अच्छी शुरुआत है। और एक मतलब साथ में काम करने का, आपस में लोगों के दिल मिले हैं और इन्होंने अच्छा किया है कि वही यूनिट रखी है, हम कलाकारों को रखा है ना भाई, 100% है, तो हम लोग काम कर रहे हैं और आगे इस तरह ये आधा दर्जन फिल्में 2 साल में बनाएंगे, उसमें हम लोग काम करेंगे। सर, आप दिल मिलाने वाले हैं या दिल तोड़ने वाले? नहीं, हम शुरू में भले टेढ़े मेढ़े रहते हैं, बाद में जाके सीधे हो जाते हैं, या शुरू से ही सीधे रहते हैं, अपना यही ट्रैक है। राम भाई ने कहा कि निहायता को किसी को क्या इस फिल्म में हीरोइन के किरदार में नजर आए, शायद ये घूंगट हटेगा, चेहरा किसका होगा? ये सस्पेंस जिसका भी होगा वो बहुत खूबसूरत होगी। इस बार डायरेक्टर हमारे राजू सर हैं इस फिल्म के, लास्ट फिल्म में डायरेक्टर सुजीत जी ने किया था, बहुत बहुत कुछ इनपुट्स राजू सर का भी था, राजू सर का बहुत सहयोग रहा। हाँ, बहुत हद तक इन्होंने मार्गदर्शन किया और इस बार पूरा का पूरा
बोझ हमने इनके सर पे ही डाल दिया है कि सर आप ही कीजिए। राजू सर बताएं जरा क्या तैयारियां हैं, कहां कहां शूट करना चाहते हैं, कितने शेड्यूल में शूट करना चाहते हैं हम? देखिए भोजपुरी का जो बेल्ट है वो मुख्यतः बिहार और यूपी ही है, तो उस तरफ जो एक अवेयरनेस इस सिनेमा को लेकर के लोगों ने किया लेकिन गंदगी फैला दी। अब हम दोबारा उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, इलाहाबाद के क्षेत्र में, ताकि लोग अगर शूटिंग भी देखने आए तो उनको ये लगे कि भाई नहीं, ये सही लोग हैं, भोजपुरी में इन्होंने एक नया कदम उठाया है। I am sure people love to watch such films, हम साथ साथ हैं वाला, because आजकल कल फिल्में बनती हैं ऐसी, and I am sure many of them want to see such films, परिवार के साथ फिल्में देखकर entertain करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादातर possible नहीं हो पाता Bollywood फिल्मों के subjects से, so this is really nice, it's a great project, and I wish you all the best, and I'm sure you're going to be a success. इसे एक सवाल पूछिए कि हम लोग ऑन स्क्रीन एक साथ शेयर कर चुके हैं गुलाम, अब ये हमारे साथ भोजपुरी में फिल्मों में कब शेयर करेंगे? जय जी के सवालों का जवाब दिया जाए। मैं पता नहीं कब करूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड जल्दी करेंगे काम। अच्छा, हस्बैंड उसको बोल रही करने के लिए, खुद नहीं बोल रही? मैं करूंगी, लेकिन फिलहाल कुछ चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी कमिट कर चुकी हूँ चीजों को, लेकिन मैं किसी भी तरह के काम को या किसी भी नया डायरेक्शन को मना नहीं करती, बिकॉज हर काम आपको कुछ सिखाता है। भोजपुरी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, लेकिन बैरियर कुछ भी नहीं होता, इट्स ऑल योर। तो मैंने साउथ में भी काम किया है, वहाँ पर भी मेरे को लैंग्वेज तो आती नहीं थी पर फिर भी किया है, तो आई एम श्योर यहाँ पे भी जब शुरुआत होगी तो मैं भी चौके छक्के लगाऊंगी। यस यस, है ना सर? आप क्या सुन लेंगे सर? मैं भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जैसे कि रिद्धिमा जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक कलाकार जो होता है उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होती लैंग्वेज की या माध्यम की, तो भोजपुरी हो, पंजाबी हो या साउथ हो, अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जय जी के साथ काम करने पक्का पक्का लेगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.